Guys, hello and welcome back to my channel. It's my universe. Video को पूरा जरूर देखें and do not forget to like, share and subscribe. दोस्तों, दलजीत दोसांझ की बेहतरीन मूवीज सरदार जी, फिलौरी एंड सूरमा तो सबने देखी होगी. And now he is back again with yet another movie, अमर सिंह चमकीला, जो कि एक real life story based movie है, जो कि stream होने जा रही है only on Netflix on 12th of April. इस movie से expectations रखी जा सकती हैं, क्योंकि 80 के दशक में एक मशहूर सिंगर एंड उनकी वाइफ की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है ये मूवी. दूसरा, इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर खुद इम्तियाज अली हैं, जिन्होंने बेहद ही सुपरहिट मूवीज बनाई हैं, जैसे तमाशा, रॉकस्टार, जब वी मेट एंड लव आजकल. तीसरा, इस मूवी में म्यूजिक दिया है एआर रहमान ने. एंड फोर्थ, और खुद दलजीत दोसांझ जो एक बेहतरीन सिंगर एंड एक्टर हैं, वो लीड रोल में नजर आएंगे. एंड इस रोल के लिए दलजीत ने अपना पूरा लुक ही चेंज कर दिया है टू लुक लाइक एक्चुअल अमर सिंह चमकीला जी. एंड श्योरली ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. कास्टिंग की बात करें तो दलजीत दोसांझ एज अमर सिंह चमकीला, परिणीति चोपड़ा एज अमरजीत कौर, अमर सिंह जी की वाइफ, एंड और भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे. स्टोरी लाइन की बात करें अगर, ये कहानी है 80 के दशक में पंजाबी फोक सिंगर की, जिनका असली नाम था धनीराम, और इनको मौका मिला था 4 सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने का एक फेमस रिकॉर्ड लेबल के साथ, जिसका नाम था HMV. जब इनकी एक एल्बम आई, इस एल्बम से इतने फेमस हुए ये कि इनको नवाजा गया अमर सिंह चमकीला नाम से. धनीराम, अमर सिंह चमकीला जी की आवाज और बोल जितने सीधे और कड़क थे, उससे उन्हें वो फेम तो मिला, मगर उसी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा और आक्रोश भी भर गया था. और 27 साल की उम्र में ही सन 1988 में जलंधर के आसपास की जगह पर उनको और उनकी बीवी अमरजोत कौर को गोली से मारकर हत्या कर दी गई थी. दोस्तों, अक्सर हम मूवीज देखते हैं हीरो को जीतते हुए देखने के लिए, मगर क्या हो जब मूवी एक रियल लाइफ बेस्ड हो और जिसमें हीरो का मरना तय है. बुरा तो लगता ही है यार. तो आपका क्या मानना है दोस्तों, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मिलते हैं एक नई वीडियो अपडेट के साथ जल्दी. एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट्स माय यूनिवर्स.